अब देखिए एपी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, कि जो फोर्थ टर्म है किसी एपी का वो 11 है। आगे बोलता है द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवन टर्म्स ऑफ द एपी इज 34, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो इसका जो फिफ्थ और सेवन टर्म है इस एपी का, उसका सम 34 है, तो हमको इसके कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। अब देखिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इक्वल टू ए, हमने मान लिया कि इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी है, सो फोर्थ टर्म, इसका फोर्थ टर्म ए फोर इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन डी इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। अरे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यह है 11, तो इसको हम लोग 11 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन वन दे देते हैं। इसके बाद बोलता है कि फिफ्थ टर्म और सेवन टर्म का सम, उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें फिफ्थ टर्म ए फाइव इक्वल टू ए प्लस फाइव माइनस वन डी, ए प्लस फोर डी हो जाएगा, और सेवन टर्म ए सेवन इक्वल टू ए प्लस सेवन माइनस वन डी इक्वल टू ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दोनों का सम बोलता है, माने ए फाइव प्लस ए सेवन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस फोर डी प्लस ए प्लस सिक्स डी, और इसका वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पे 34 इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसमें 34 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 34, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 7d इक्वल टू 34, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 जा, यहाँ पे हम लोगों को मिला a प्लस 7d इक्वल टू 17, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए आप। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 1 को माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो a प्लस 7d माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 17 माइनस 11 इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 4d इक्वल टू 6, तो d इक्वल टू, अब यहां पे देखिए a 5 प्लस a 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 4d, क्योंकि ए फाइव ए प्लस 4d है प्लस ए 7 है, ए प्लस 6d इक्वल टू 34 है, इसको सम करेंगे तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 34 आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन है, तो a प्लस 5d इक्वल टू 34, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 17, तो a प्लस 5d इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, 17 मिला। इसको इक्वेशन हम लोग 2 दे देंगे, और इसका जो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 3d इक्वल टू 11 है, इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा, ये से कट गया, तो 2d इक्वल टू 17 माइनस 11 6 आ गया, तो d इक्वल टू आ गया 6/2 इक्वल टू 3, यही आंसर है। सो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है।